अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुशामदीद फिर से एक नए वीडियो में। इस वाले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि व्हाट्सएप मैसेजेस बैकअप कैसे करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस बैकअप करने से क्या होता है, अगर आप अपने व्हाट्सएप मैसेजेस एंड्रॉइड से आईफोन या किसी और एंड्रॉइड में ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो भी कैसे कर सकते हो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दे, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो दोस्तों बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों व्हाट्सएप मैसेजेस बैकअप करने के लिए आपको सबसे पहले व्हाट्सएप में चले जाना है और यहाँ 3 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है और ये चैट्स लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है और नीचे आना है और यहाँ पर चैट बैकअप लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर बैकअप का ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक करके आप अपने मैसेजेस बैकअप कर सकते हो। तो दोस्तों बैकअप से ये होता है कि अगर आपने अपना व्हाट्सएप डिलीट कर दिया था और आपने दूसरी बार व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया है और दूसरी बार व्हाट्सएप बना रहे हो, तो फिर बैकअप करने से आपके सारे मैसेजेस जो डिलीट हो गए हैं वो आपके वापस आ जाएंगे। व्हाट्सएप मैसेजेस आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी एंड्रॉइड से आईफोन में या किसी भी एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड फोन में? तो दोस्तों व्हाट्सएप मैसेजेस ट्रांसफर करने के लिए आपको सबसे पहले उस मोबाइल में व्हाट्सएप बना लेना है जिस भी आप एंड्रॉइड फोन में अपने मैसेजेस ट्रांसफर करना चाहते हो, और उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपने अपने मैसेजेस बैकअप कर लेने हैं। तो दोस्तों आपके जो भी मैसेजेस उस व्हाट्सएप में है वो आपके इस व्हाट्सएप में भी आ जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे क्वेरी सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपका और भी कोई क्वेरी है तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।